पलामू के लिए झारखंड की सरकार की नियत ईमानदार है, जिसका प्रमाण है दशकों से शुद्ध पेयजल के लिए इंतजार कर रहे मेदिनीनगर वासियों की आकांक्षा जल्द पूरी होगी। शहरी जलापूर्ति योजना के लिए तकरीबन 162 करोड़ रुपए की तकनीकी स्वीकृति मिलने पर जेएमएम नेता दीपक तिवारी ने मुख्यमंत्री को बधाई सहित धन्यवाद दिया है। मेदिनीनगर नगर निगम में पेयजलापूर्ति के लिए झारखंड सरकार की ओर से एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से करोड़ों रुपए की मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए दीपक तिवारी ने बताया कि शहर हो या गांव, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार जनता की जरूरतों पर फोकस किए हुए है। साथ ही विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि सालों से शुद्ध पानी पिलाने के नाम पर ठगने वालों के लिए मेदिनीनगर को 2022 में मिली सौगात एक नसीहत है। निगम की कुर्सी पर बैठे इनके सिपह सलार इन पैसों का सदुपयोग जनता के हित में करें। बंदरपाट करने एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का खेल किया गया तो जनता के साथ कुर्सीधारियों को सबक सिखाने का भी काम करेंगे। जनता के हित को सर्वोपरि लेकर चलने वाले हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की लोकप्रियता बढ़ी है तो उनका पलामू पर विशेष निगाह भी है। दीपक तिवारी ने उम्मीद जताया कि नया साल पलामू में झारखंड मुक्ति मोर्चा को नया मुकाम भी देगा।